Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं हूं रुखसार शहजाद. सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस. टोरंटो में बर्फबारी और बारिशों का इम्कान. एनवायरनमेंट कनाडा की टोरंटो के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी. 2 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है. कनेडियन हुकूमत का अद्वियात की कीमतों में कमी पर अमल दरामद के लिए ताखीर का फैसला. वजीर सेहत का कहना है कि आलमी वबाई सूरत हाल के सबब ये फैसला किया गया. नई तरमीम से कनेडियन शहरियों के अरबों डॉलर बचेंगे. कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा. क्यूबेक में एक ही दिन में 9,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट. कनाडा भर में मरीजों की मजमू तादाद 19,45,754 तक जा पहुंची. अमेरिका में डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहली बार पाकिस्तानी शहरी का तकर्रुर. अदील राणा को इससे कबल कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दी गई थी. अदील राणा पहले अमेरिकी मुसलमान कमांडिंग अफसर भी रह चुके हैं. दुनिया भर में कोरोना वायरस से 27,86,07,203 अफराद मुतासिर. ओमिक्रॉन का फैलाव. भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू का ऐलान. भारत में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 350 से तजावुज कर गई. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी और ख़राब मौसमी सूरत हाल के सबब खसूसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी और ख़राब मौसमी सूरत हाल के सबब खसूसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है. ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि रात भर 2 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की तवक्को की जा सकती है. तवक्को है कि आज शाम को बर्फबारी की शरह सबसे ज़्यादा होगी और इससे शाम के अवकात में सफ़र पर असर पड़ सकता है. मोटरसाइकिल सवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो ख़राब हालत वाली सड़कों पर एहतियात बरतें क्योंकि बर्फ़ जमा होती है. वफाकी मौसमी एजेंसी के मुताबिक ख़राब मौसमी हालात नकल व हमल में ताखीर का सबब बन सकते हैं. बदलते हुए सड़क के हालात के साथ अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें. अगर ड्राइविंग के दौरान हद निगाह कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें. हाईवेज, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स जैसी सतहों पर बर्फ़ जमा होने की वजह से सफ़र मुश्किल हो सकता है. वेदर नेटवर्क के माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जुमे की रात एक और निज़ाम खत्ते तक पहुंचेगा और हफ्ते के अवाइल तक जारी रहेगा. सूबे के जुनूब में हल्के दर्जा हरारत और बारिश की तवक्को है. इस वीकेंड पर शहर में हफ्ते के रोज़ हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है. इतवार के रोज शहर में हल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत रात के औकात में -6 और दिन के औकात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है. कनाडा के वजीर सेहत ने कनाडा में पैटर्न शुदा अद्वियात की कीमत को कम करने के लिए बनाए गए नए जवाबित के निफाज पर 6 माह का वक्फा कर दिया है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कनाडा की हुकूमत मुल्क में अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए नए जवाबित में ताखीर कर रहे हैं. वजीर सेहत ने कनाडा में पेटेंट शुदा अद्वियात की कीमत को कम करने के लिए बनाए गए नए जवाबित के निफाज पर 6 माह का वक्फा कर दिया है. हेल्थ कनाडा ने 2019 में ऐलान किया था कि पेटेंट मेडिसिन प्राइसेस रिव्यू बोर्ड बहुत ज्यादा महंगी अद्वियात की कीमतों को कम करने की कोशिश में कनाडा में दवाइयों पर कीमत की हद मुकर्रर करने के तरीके को तब्दील करेगा. ये जवाबित जनवरी शुरू में नाफिज होने वाले थे, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 2022 तक रोक दिया गया है. वजीर सेहत का कहना था कि ताज़ा तरीन ताखीर सनद हुकूमत और अद्वियात की तकसीम के निज़ाम में शामिल दीगर खिलाड़ियों को वबाई मर्ज़ से लड़ने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करने की इजाज़त देगी. इन तरामीम को नाफिज करने के लिए आलमी वबा के तनाजर में तैयारी और मशावरत की ज़रूरत है. ताखीर हुकूमत को इस बात की भी इजाज़त देती है कि वो बदलते हुए फार्मास्यूटिकल मंजरनामे के अंदर
इन तरामीम के इत्तेलाक पर स्टेक होल्डर्स को मजीद मशगूल कर सके। हेल्थ कैनेडा को तवक्को है कि इन तरामीम से कैनेडियन को पेटेंट शुदा अद्वियात पर अरबों डॉलर की बचत होगी। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में एक ही दिन में 9000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 19,45,754 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,131 हो गईं। मुल्क भर में 18,14,426 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,67,353 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,140 है। क्यूबेक में एक ही दिन में 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 5,11,095 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,658 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,46,705 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,299 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,33,217 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,410 है। न्यूयॉर्क पुलिस की तारीख में पहली बार एक पाकिस्तानी अमरीकी शहरी तरक्की पाकर डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच गया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अदील राणा को कैप्टन के ओहदे से तरक्की देकर डिप्टी इंस्पेक्टर बनाया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क पुलिस की तारीख में पहली बार एक पाकिस्तानी अमरीकी शहरी तरक्की पाकर डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच गया। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अदील राणा को कैप्टन के ओहदे से तरक्की देकर डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के ट्वीट के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस की तारीख में किसी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी के डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचने का ये पहला मौका है। अदील राणा को कैप्टन के ओहदे से तरक्की देकर डिप्टी इंस्पेक्टर बनाया गया है। अदील राणा का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है। अदील राणा पहले अमरीकी मुसलमान कमांडिंग अफसर भी रह चुके हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से डिप्टी इंस्पेक्टर न्यूयॉर्क पुलिस का ओहदा संभालने पर अदील राणा को मुबारकबाद पेश की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के बायस कर्फ्यू का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से रात 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 27,86,07,203 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से अमवात 54,03,154 हो गई। 24,93,80,419 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,34,455 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 5,27,88,451 हो चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के बायस कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से रात 11 से 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की मजमू तादाद अब तक 350 से तजावुज कर चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से 4,97,133 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,47,72,657 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 63वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,868 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,51,749 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.